अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल अम्मी की तरकीबें में मैं आपका इस्तकबाल करती हूं और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करती हूं कि हमारे काविशों को सराहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं वाइट पास्ता। ये देखिए कितना अच्छा वाइट पास्ता हमने बना के ये इधर रखे हैं, ऐसा ही हम आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं। देखिए ये है ना दो कप यानी के 200 ग्राम इतना है ना ये पैनी पास्ता है। इसको उबालने के लिए हमने यहाँ जो है 4 कप इतना पानी लिए है और इसके अंदर है ना अभी हम आधा टीस्पून जो है ये नमक डाल रहे हैं और एक टेबल स्पून जो है ये खाने का तेल है ये डाल रहे हैं। अभी ये उबल जाएगा ना जब अच्छी तरीके से तब हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे। देखिए बॉईल आ गया पानी को। अभी ये 200 ग्राम जो है पैनी पास्ता हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए अभी हो गया। अब इसको देखिए ना पास्ता पकाने के लिए हमने एक इधर डेगची ले लिए है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ये तेल डाले हैं। तेल डालने के बाद ये तेल गर्म हो जाएगा तो हम ये 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। जो है कटी हुई ये हरी मिर्ची है ये भी हम इसके अंदर डालेंगे और 1 प्याली जो है बोनलेस चिकन को हमने बारीक चॉप करके रखे ये हम डालेंगे। 1 प्याली जो है इधर हमने ये कैबेज लिए है इसको बारीक चॉप करके रखे ये भी हम डालेंगे। अभी 1 प्याली भर के हमने कैरेट को कद्दूकस करे है ये डालेंगे। प्याली जो है शिमला मिर्च है तो हमने बारीक चॉप करके रखे ये भी डालें। ये हमारे जायके के हिसाब से जो है आधे टीस्पून जो है हमने नमक डाले थे। ये थोड़ा हो जाने के बाद 2 टीस्पून जो है ये मैदे का आटा है ये हम इसके अंदर ही डाल देंगे और सारी सब्जियों को और चिकन को कोट कर देंगे। सारे सब्जियों पे आटा कोट हो जाने के बाद ये 1.25 लीटर इतना जो है हमने दूध लिए हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी जो है 1/2 टीस्पून जो है हमने काली मिर्चों का पाउडर लिए है ये डाल देंगे। देखो ये इसको थोड़ा सा ये पत्ते पे आया इसको उबाल आ गया और इसकी कंसिस्टेंसी देखो ये ऐसी हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे जो हमने पास्ता उबाले थे उबाल के उसको ड्रेन करें और उसको जो है ये पानी है ना ठंडे पानी में डाले थे वो भी इसके अंदर हम ये डाल देंगे। बस अभी हर पास्ता जो है ये वाइट सॉस को कोट हो जाए बस हमारा पास्ता जो है वाइट पास्ता बन के तैयार है। अभी इसी वक्त में अगर आपको चाहिए तो बारीक कटी हुई ये कोथमीर भी थोड़ी सी डाल सकते हो गया। बस अब ये पूरे हर पास्ते को जो है ये वाइट सॉस ने कोट कर लिया। अभी क्या करेंगे हम इसको बंद कर देंगे। बहुत ही आसान है बहुत ही लाजवाब। इस तरीके से एक प्याला लेके क्या करेंगे हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही अच्छा बहुत ही इसके अंदर जो है चिकन भी अच्छे से पक जाता है और ये दूध
फ्रूट का भी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सब्जियों का भी टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से हो जाता है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसा ही हमारे तरीके से बनाओ, हमको दुआ में याद रखो। देखो कितना अच्छा है ना, ये बन गया हमारा वाइट सॉस का पास्ता, बहुत ही आसानी से हमने आपके सामने बनाए। देखिए आप, ये बहुत ही अच्छा लगता है, अल्लाह आपको भी कामयाब करे, हमको भी कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये इसके ऊपर हमने सजाने को ये गार्निशिंग के लिए डाल दिए, बहुत ही अच्छा।